हेलो एवरीवन, मैं वैभूति तरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आई वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर सीरीज ऑफ सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स। इन टुडेज 26th लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑन मोमेंट ऑफ फोर्स टाइप नंबर 2। सो हियर वी गो, लेट अस समराइज द प्रीवियस लेक्चर। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द मोमेंट ऑफ फोर्स। सो मोमेंट हमने लेके देखा था और हमको पता चला कि मोमेंट इज नथिंग बट द फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन। बराबर है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बराबर है, आज हम उसी कंसेप्ट को आगे लेके जाएंगे जहाँ पे हमको रिजल्टेंट और एक्स मतलब पोजिशन, रिजल्टेंट और पोजिशन निकालना है। आर के लिए हमको पता है कि सम ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस दैट इज एफ ऑफ एक्स, राइट में जाते हुए दिखे तो प्लस, लेफ्ट में जाते हुए तो माइनस। फिर हमको और निकालना है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, ऊपर वाले फोर्सेस प्लस, नीचे वाले माइनस। फिर हम इस रिजल्टेंट का फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। बराबर है, पोजिशन के लिए हमको वेरिग्नास थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? वेरिग्नास थ्योरम। वेरिग्नास थ्योरम क्या बोलता है? समेशन अबाउट ए इक्वल्स टू आर इंटू एक्स। तो इसके लिए हमको आर पता है, ये निकालना है, तो समेशन एम ए मतलब मोमेंट एट पॉइंट ए लेना पड़ेगा, मोमेंट एट पॉइंट ए, ठीक है, जिसके कारण से हम ये इस एक्स को निकाल पाएंगे। तो आइए दोस्तों सॉल्व करते इसके कुछ मजेदार क्वेश्चंस। So learning outcomes, after completion of this lecture, you are able to calculate the resultant and its position of given force system. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर वन। क्या बोला है? A bar ABC carries 20 newton at A downward, 30 न्यूटन एट बी अपवर्ड, 40 न्यूटन एट सी डाउनवर्ड, कंप्यूट द रिजल्टेंट फोर्स एंड लोकेट इट्स पोजिशन इफ ए फ्रॉम ए इफ ए बी इक्वल्स टू 6 मीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 8 मीटर। तो आपको क्या दिया है क्वेश्चन में वो देखते हैं। आपको बेटा एक बार दिया हुआ है, एक बार है ऐसा कुछ, तो भी हम लाइन बनाते हैं एक बार को जिसका नाम है ए बी और सी। ए पे डाउनवर्ड फोर्स है 20 न्यूटन का, ए पे 20 न्यूटन का डाउनवर्ड मतलब नीचे जाते हुए फोर्स है, बी पे अपवर्ड है 30 न्यूटन का, मतलब बी पे जो फोर्स है वह ऊपर जाते हुए दिख रहा है, कितने का? 30 न्यूटन का। और सी पे डाउनवर्ड है 40 न्यूटन का, सी पे डाउनवर्ड मतलब नीचे जाते हुए 40 न्यूटन का। हमको रिजल्टेंट और उसका पोजीशन निकालना है। जब ए बी, ए और बी के बीच में का डिस्टेंस कितना दिया है बेटा? 6 मीटर, और बी और सी के बीच में का डिस्टेंस दिया है आपको 8 मीटर। ओके, सो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो हमको सबसे पहले रिजल्टेंट निकालना है, तो सबसे पहले हमें सम ऑफ हॉरिजेंटल फोर्सेस निकालना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि हॉरिजेंटल कोई फोर्स है क्या? पे कोई हॉरिजेंटल फोर्स दिख रहा है क्या? पे नहीं दिख रहा है, तो इट इज ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट इज सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, मतलब ऊपर जाते हुए दिखे तो प्लस, नीचे जाते हुए दिखे तो माइनस। ये 20 न्यूटन, ये 20 न्यूटन आपको कहाँ जाते हुए दिख रहा है? नीचे, सो माइनस 20। ये 30 न्यूटन आपको कहाँ जाते हुए दिख रहा? ऊपर, ऊपर जाते हुए दिख रहा 30 न्यूटन, तो प्लस। ये 40 न्यूटन आपको कहाँ जाते हुए दिख रहा? नीचे जाते हुए दिख रहा मतलब माइनस। बराबर, तो करो कितना आएगा? माइनस 20 प्लस 30 माइनस 40, कितना आंसर आएगा इसका?
सो इट इज माइनस 30 न्यूटन। तो समेशन एफ ऑफ वाई आपको मिला माइनस 30। इसका साइन माइनस है मतलब इसका एरो, ये जो है समेशन एफ ऑफ इसका वो एरो कहा जाएगा नीचे की तरफ, हमने यहाँ पे लिखा है ना माइनस मतलब नीचे की तरफ। हम अभी इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, क्या है फॉर्मूला रिजल्टेंट का, समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। तो समेशन एफ ऑफ एक्स कितना निकला आपका 0, एफ ऑफ वाई कितना मिला 30 का स्क्वायर, तो आपको रिजल्टेंट कितना मिलेगा 30 मिलेगा, रिजल्टेंट कितना मिलेगा 30। यहाँ पे एफ ऑफ वाई नीचे जा रहा था तो रिजल्टेंट भी कहा जाएगा नीचे जाएगा, रिजल्टेंट भी कहा जाएगा बेटा नीचे। तो अभी तक हमने रिजल्टेंट तक निकाला है, आगे का देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अभी हम, हमको रिजल्टेंट मिल गया है जो कि हमारा आर हमको कितना मिला, आर इज 30 मिला न्यूटन जो नीचे जाते हुए दिखता है। अभी हमको वेरिग्नांस थ्योरम अप्लाई करना है, बाय वेरिग्नांस थ्योरम हमें पता है समेशन एम ए इक्वल्स टू आर इंटू एक्स, आर मिल गया है, अभी हमको समेशन एम ए, समेशन एम ए मतलब मोमेंट एट पॉइंट ए, इस प्रकार से लिखते हैं समेशन एम ए इक्वल्स टू, अगर आपको क्लॉकवाइज दिखा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज दिखा तो नेगेटिव। एक एक देखते हैं, देखो सबसे पहले जो आपको ए दिख रहा है, ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से 20 न्यूटन पास हो रहा है, तो 20 का हमको मोमेंट ए पे लेना है, मोमेंट कहाँ पे लेना है, ए पे लेना है, तो 20 का ए से कुछ डिस्टेंस है क्या, नहीं, तो कितना है 0 है, सो 20 इंटू 0। एक बात ध्यान में रखना, जहां पे मोमेंट ले रहे हैं वहां पे कोई फोर्स आ रहा है या जा रहा है उस पॉइंट पे, तो उसका डिस्टेंस 0 रहेगा, उसका डिस्टेंस कितना रहेगा 0 रहेगा। अभी इस 30 को देखिए, अभी इस 30 को देखिए, अभी ये जो 30 है ये 30 ए की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ए की तरफ कैसा आएगा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है माइनस, कौन आया 30 आया इंटू, इस 30 का ए से कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है ए से 6 मीटर, कितना डिस्टेंस है 6 मीटर। फिर ये जो 40 है, ये वाला जो 40 है, ये 40 ए की तरफ इस प्रकार से घूमेगा मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा, क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है पॉजिटिव, कौन घुमा 40 घुमा इंटू, इस 40 का ए से कितना डिस्टेंस है, ए से कितना डिस्टेंस है 8 और 6 14 मतलब 14 मीटर का डिस्टेंस है, कितने मीटर का है 14 मीटर का डिस्टेंस ए से, मोमेंट कहाँ पे ले रहे हैं हम ए पे ले रहे हैं, तो डिस्टेंस भी ए से लेना, फोर्स का डिस्टेंस ए से, तो कितना है 14। तो सभी फोर्सेस खत्म हो गए हमारे, तो बताइए समेशन मोमेंट एट ए कितना रहेगा, कैलकुलेट करिए। थ्री एट जीरो न्यूटन मीटर मिला। अब ये वैल्यू पॉजिटिव आई, ये वैल्यू पॉजिटिव आई, पॉजिटिव मतलब कैसा क्लॉकवाइज, पॉजिटिव मतलब कैसा बेटा क्लॉकवाइज। अभी हम वेरिग्नांस थ्योरम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, समेशन एम ए इक्वल्स टू आर इंटू एक्स, समेशन एम ए कितना है 380, रिजल्टेंट हमने 30 निकाला था इंटू एक्स, तो एक्स कैसा मिलेगा हमको, ये 30 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा बराबर है, सो 380 डिवाइडेड बाय 30 इज नथिंग बट एक्स, तो आपको एक्स मिलेगा कितना मिलेगा 12.66 मीटर, कितना मिला बेटा आपको 12.66 मीटर।
मतलब इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। ये हमारा पॉइंट ए है, यहां से 12.66 मीटर के दूरी पे एक रिजल्टेंट है। वो रिजल्टेंट नीचे के ऊपर जा रहा है 30 न्यूटन का, तो इसको बोलते हैं पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पोजीशन ही सबसे आखिरी में बनाना है आपको, बराबर है? सबसे आखिरी में आपको ये बनाना है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट अस स्टार्ट दी न्यूमेरिकल नंबर टू। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, डरना नहीं है, ईमानदारी से धीरे धीरे सॉल्व करना है। मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। अ सेट ऑफ फोर पैरेलल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 3 न्यूटन, 2 न्यूटन आर एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट टू फोर्सेस इज 2 मीटर एंड बिटवीन द लास्ट टू फोर्सेस इज 2 मीटर। द डिस्टेंस बिटवीन 6 न्यूटन एंड 3 न्यूटन इज 1 मीटर। फाइंड द रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू 4 न्यूटन फोर्स एंड शो इट ऑन द स्केच। तो सबसे पहले आपको क्या बोला है? फोर पैरेलल फोर्सेस जो सभी कहा जा रहे हैं एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपने क्या करना है? ऐसे 4 लाइन यहाँ पे बना देनी, बना दी। चारों के चारों कहा जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, तो इनको एरो कहा देंगे ऊपर की तरफ। दे दिया। कितने मैग्नीट्यूड है, कितनी वैल्यू है? 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 3 न्यूटन एंड 2 न्यूटन। फिर डिस्टेंस दिए, पहले जो दोन फोर्सेस है, पहले जो दो फोर्सेस है इनके बीच में का डिस्टेंस 2 मीटर, आखिरी के जो दो फोर्सेस है इनके बीच में का डिस्टेंस भी कितना है? 2 मीटर है। और जो बीच के जो दो फोर्सेस है इनके बीच में का डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर है। और हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट आर और पोजिशन एक्स हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? समेशन एफ ऑफ एक्स करेंगे। अगर राइट में जाते हुए दिखा तो प्लस, लेफ्ट में जाते हुए दिखा तो माइनस, तो कोई फोर्स है क्या यहाँ पे? ऐसा नहीं है तो 0। फिर समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे ऊपर जाते हुए दिखा तो प्लस, नीचे जाते हुए दिखा तो माइनस, तो 4 कहा जा रहा, सभी ऊपर ही जा रहे तो पॉजिटिव रहेंगे सभी ऊपर, तो +4 +6 +3 +2। मैंने अपने मन से ऊपर लिया क्या? नहीं, क्वेश्चन में दिया है ऑल आर एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन। तो समेशन एफ ऑफ वाई कितना आएगा बेटा आपका? 4 और 6 10 और 3 13 और 2 15 न्यूटन। और ये पॉजिटिव वैल्यू है मतलब समेशन एफ ऑफ वाई का रहेगा ऊपर जाते हुए दिखेगा। ओके, फिर रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का क्या फार्मूला है? समेशन अंडर रूट ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। सो अंडर रूट समेशन एफ ऑफ एक्स कितना? 0 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। सो रिजल्टेंट इक्वल टू कितना मिलेगा? 15 न्यूटन। रिजल्टेंट हमको कितना मिलेगा बेटा? 15 न्यूटन। और वाई ऊपर जा रहा था तो रिजल्टेंट भी कहा जाएगा ऊपर, वाई ऊपर जा रहा तो रिजल्टेंट भी कहा जाएगा ऊपर। अभी देखते हैं हम मोमेंट निकालना और उसका एक्स निकालना। तो अभी हमको वेरिग्नास थ्योरम का सबसे पहले यूज करना पड़ेगा। तो वेरिग्नास थ्योरम क्या बोलता है? वेरिग्नास थ्योरम बोलता है समेशन एम ए इज इक्वल टू आर इंटू एक्स। तो सबसे पहले हमको समेशन एम ए निकालना पड़ेगा, मतलब मोमेंट एट पॉइंट ए। सो समेशन एम ए इक्वल्स टू, हमें पता है क्लॉकवाइज अगर रहा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज अगर रहा तो निगेटिव। सबसे पहले हम अभी यहाँ पे ए कहाँ पे लेना है? स्टार्टिंग में लेना, कभी भी ए कहाँ पे लेंगे बेटा? हर बार स्टार्टिंग में लेंगे, बराबर है? चलिए तो अभी मोमेंट लेते हैं। मोमेंट कैसे लेंगे देखिए, हमें ए पे मोमेंट लेना है। ए पे तो क्या चार्ज जो है ए से ही पास हो रहा है? चार ए से ही पास हो रहा है, तो चार का कोई डिस्टेंस रहेगा क्या? नहीं रहेगा, 0। फिर ए पे आना है हमको, ए पे आना है 6 ए की तरफ इस प्रकार से आएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा मतलब माइनस, 6 आया इनटू इस 6 का ए से कितना डिस्टेंस है? 6 का ए से डिस्टेंस कितना है? कितना डिस्टेंस है? 2। ओके, फिर 3, 3 भी ए की तरफ कैसा आएगा? 3 भी ए की तरफ एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, मतलब 3 कौन आया? 3 का डिस्टेंस ए से कितना डिस्टेंस है? ए से कितना डिस्टेंस? 3 का ए से डिस्टेंस कितना है? 3। फिर ये जो है 2, ये जो 2 मीटर, 2 एंटी क्लॉकवाइज।
एवरेज आएगा। एंटी क्लॉकवाइज इज माइनस, तो 2 इंटू इस 2 का ए से कितना डिस्टेंस है, 2 का ए से डिस्टेंस कितना है, 2 1 2 मतलब 5 बराबर है, पूरे फोर्सेस हो गए, सभी का मूवमेंट हो गया। चलो कैलकुलेट करिए कितना आएगा, 31 आएगा। सो आपको समेशन एमए की वैल्यू मिली 31 न्यूटन मीटर और आपका आंसर पॉजिटिव आया, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, फिर हमें पता है समेशन एमए इज आर इंटू एक्स, समेशन एमए कितना है हमारा 31, आर हमने कितना निकाला था इसके पहले 15 इंटू एक्स, ये 15 इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, सो 31 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स टू एक्स, तो आपको एक्स कितना मिलेगा, 31 डिवाइडेड बाय 15 इज 2.06, आपको कितना मिला 2.06 मीटर, ये डिस्टेंस मिला मतलब पोजीशन मिली। अब इसका अर्थ क्या है, एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है ए, यहां से 2.06 मीटर पे एक रिजल्टेंट है जो ऊपर देख रहा है, उसकी वैल्यू है 15 न्यूटन। ओके, उसकी वैल्यू कितनी है 15 न्यूटन, इसको बोलते हैं पोजीशन, क्या बोलते बेटा इसको पोजीशन, स्केच भी निकालना जरूरी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 3। अभी कितना दिया है, 5 पैरेलल फोर्सेस ऑफ 20 40 60 80 एंड 100 किलो न्यूटन आर एक्टिंग ऑन अ बीम, डिस्टेंसेस ऑफ फोर्सेस फ्रॉम 20 किलो न्यूटन, जो भी डिस्टेंसेस दिए हैं वो पहले फोर्स 20 किलो न्यूटन से दिए है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर एंड 4 मीटर, फोर्सेस 40 एंड 80 आर वर्टिकली डाउनवर्ड, ये जो 40 और 80 है वो कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, दूसरे जो है अदर आर अपवर्ड, फाइंड द रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड। देखते पांच फोर्सेस बोला तो 5 खड़ी लाइन बना लेने का, 1 2 3 4 5 बना ली, पहले एरो नहीं देना है, पहले इनके फोर्सेस के नाम लिख लेते हैं, 20 किलो न्यूटन, ये 40 भी है, ये 60 है, ये 80 है और ये 100 है, ठीक है। अभी सभी डिस्टेंसेस आपको 20 से दिए, मतलब पहले वाले का 20 से डिस्टेंस 1 मीटर है, दूसरे वाले का 20 से डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है, फिर इसका कितना है 3 मीटर है, और इसका कितना है, पहले वाले से दिया और ये कितना है 4 मीटर है। फोर्सेस 40 एंड 80 आर वर्टिकली डाउनवर्ड, 40 जो है ये नीचे जा रहा है, 80 भी कैसा है नीचे जा रहा है, और बाकी के ऊपर जा रहे, रिमेनिंग आर अपवर्ड, बराबर है। अभी हमको इसका रिजल्टेंट और मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सबसे पहले हम समेशन एफ ऑफ एक्स करेंगे इक्वल्स टू राइट वाले प्लस लेफ्ट वाले माइनस, ये तो कोई है ही नहीं, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले निगेटिव। अभी ध्यान से 20 कहाँ जा रहा है ऊपर प्लस 20, 40 नीचे जा रहा है माइनस 40, 60 ऊपर जा रहा है प्लस 60, 80 नीचे जा रहा है माइनस 80, 100 ऊपर जा रहा है प्लस 100, कितना आएगा बताइए, समेशन एफ ऑफ वाई कितना आएगा, करिए कितना आएगा, 80 आएगा, 80 आएगा, 180 में से 120 गए, नहीं सॉरी 60 आएगा, 180 में से 120 गए कितना 60 आएगा, सो समेशन एफ ऑफ वाई इज 60 जो कि पॉजिटिव रहेगी, तो ऊपर जाते हुए दिखेगा एरो आपको, तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं हम, अभी रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर, सो 0 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर, सो यू विल गेट द रिजल्टेंट इज 60 किलो न्यूटन, एफ ऑफ वाई ऊपर जा रहा था तो रिजल्टेंट भी कहा जाएगा ऊपर। आगे देखते हैं मोमेंट और पोजिशन, तो
अभी तक हमारा जो रिजल्टेंट आया हुआ है वो 60 न्यूटन है, बराबर है। रिजल्टेंट कितना मिला हमको, 60 किलो न्यूटन मिला, और वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी हम वेरिग्नास थ्योरम का यूज करेंगे, दैट इज समेशन एम ए इक्वल्स टू आर इंटू एक्स। तो समेशन एम ए मतलब मोमेंट एट पॉइंट ए। सो समेशन एम ए इक्वल्स टू क्लॉकवाइज दिखा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज दिखा तो निगेटिव। देखिए दिया नहीं है पॉइंट, तो हम पहले वाले को ए कंसिडर करना है। क्या ए से ही ये 20 पास हो रहा है, ए से 20 पास हो रहा है, तो 20 इंटू कितना लेना पड़ेगा, 0। ओके अब ये जो 40 है, ये 40 ए की तरफ कैसे आएगा, ये 40 ए की तरफ क्लॉकवाइज आएगा, ये 40 ए की तरफ क्लॉकवाइज आएगा। क्लॉकवाइज आएगा मतलब पॉजिटिव। सो 40 इंटू 40 का ए से डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, बराबर ध्यान दो। 40 का ए से डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। फिर ये 60 देखिए, 60 ए की तरफ इस प्रकार से आएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आएगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब -60 आएगा इंटू इस 60 का ए से कितना डिस्टेंस है, 60 का ए से कितना डिस्टेंस है, 2 मीटर है। देखिए बराबर 60 का ए से डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर, 3 नहीं लेना। अब ये 80, 80 ए की तरफ कैसे आएगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब -80 इंटू 80 का कितना डिस्टेंस है, 80 का ये डिस्टेंस कितना है टोटल, 3 मीटर ही दिया है यहाँ पे, 80 का 3 मीटर। फिर ये 100, 100 ऊपर मुकर के इस प्रकार से आएगा, सो एंटी क्लॉक आ जाएगा, मतलब -100 इंटू 100 का डिस्टेंस कितना है बेटा टोटल, ए से डिस्टेंस कितना है टोटल, 4 मीटर है। चलो कैलकुलेट करिए, समेशन एम ए कितना आता है, तो समेशन एम ए करिए जल्दी कितना आता है, तो ये 100 × 4 है बेटा, ध्यान रखना 100 है, 100 × 4 -720। समेशन एम ए कितना है बेटा आपका, -720, 720 किलो न्यूटन मीटर आएगा। एक बार चेक कर लीजिए, 40 × 1 -60 × 2 -60 × 2 यहाँ पे गलत हुआ है हमारा, +80 × 3 चाहिए, ठीक है, 80 क्लॉकवाइज जाएगा, प्लस 80 × 3 चाहिए, प्लस 80 × 3 -100 × 4 ये सही है, -240 चाहिए। समेशन एम ए कितना आएगा, समेशन एम ए इज -240 किलो न्यूटन मीटर। ओके फिर हमें पता है समेशन एम ए इक्वल टू क्या है, आर इंटू एक्स। तो समेशन एम ए कितना आया, 240 आया, माइनस वगैरह नहीं लिखना है क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं रहता है, और ये 60 × x, 60 इधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। ओके सो 240 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू एक्स, तो डायरेक्ट आपको एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा, 4 मीटर मिलेगा। एक्स कितना मिलेगा, 4 मीटर। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ए, यहाँ से 4 मीटर के दूरी पे एक रिजल्टेंट है, उसकी वैल्यू है 60, ठीक है, जो ऊपर जाते हुए दिख रहा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर कोई फोर्स ऊपर जाते हुए दिखा, ठीक है, तो उसका मोमेंट माइनस में आएगा। अगर फोर्स नीचे जाते हुए दिखा तो उसका मोमेंट पॉजिटिव आएगा, इतना ध्यान में रखा तो भी चलेगा, ठीक है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं समझ में आ रहा, ऊपर जाते हुए फोर्स दिखा तो उसका मोमेंट निगेटिव, नीचे जाते हुए फोर्स दिखा तो उसका मोमेंट पॉजिटिव, ये भी ध्यान में रखा तो चलेगा। ओके सो दिस इज द यूनिट आउटकम दैट वी हैव अचीव्ड इन टुडेज लेक्चर। वी हैव सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑन नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट एंड इट्स पोजिशन। दिस आर द प्रोग्राम आउटकम्स दैट वी हैव अचीव्ड। दिज आर द मोस्ट लाइकली क्वेश्चन आस्क इन MSBT। आप सभी को इसका प्रैक्टिस करना है और इसका PDF मुझे भेजना है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है। थैंक यू वेरी मच गाइज। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑन
मोमेंट ऑफ फोर्स टाइप नंबर 3। सो ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।